वर्तमान समय में कहा जाता है मेरी घाट, क्योंकि यहाँ पर अपने गांधी घाट को इसलिए कहते हैं क्योंकि गांधी जी की अस्थियों को यहाँ पे विसर्जित किया था। गांधी जी की अस्थियां यहाँ पे विसर्जित की थी, कहाँ पे? पुष्कर झील में अस्थियां विसर्जित, और यहाँ पे क्वीन मेरी आई थी, इसलिए इस घाट को नाम दे दिया क्वीन मेरी के नाम पर मेरी घाट। तो ये अपने यहाँ के प्रमुख घाट है, इसके तीनों ओर इसके पहाड़ियां फैली हुई है। यहाँ पे अपने बात करें पुष्कर झील के, तो पुष्कर झील पहाड़ियों के मध्य में स्थित है और एक साइड का इसका भाग खुला है। तो ये इस प्रकार अपने लिख लीजिए पुष्कर झील के बारे में। और इसके किनारे ब्रह्मा मंदिर, यानी कि विश्व का एकमात्र ऐसा ब्रह्मा मंदिर जहाँ विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है। वैसे अपने ब्रह्मा मंदिर तो राजस्थान में दो अन्य जगहों पर भी मिल जाएंगे, एक अपने आसोत्रा या बालोतरा के पास में आसोत्रा बाड़मेर, और एक छींच बांसवाड़ा में मिलते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर। लेकिन विधिवत रूप से पूजा अर्चना सिर्फ यहीं पर ही की जाती है, और यह है अपना सावित्री माता मंदिर जो कि ब्रह्मा जी की पत्नी। और यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे राजस्थान का तीसरा रोप वे स्थित है। राजस्थान के तीसरा रोप वे कहाँ पे है? यहाँ। ये अपने 800-700 मीटर लंबा है। तीसरा रोप वे कितना है? 700 मीटर लंबा। तो राजस्थान का पहला रोप वे कहाँ पे है? सोंदा माता जालोर। दूसरा कहाँ पे है? उदयपुर मंचा पूर्णा करणी माता के मंदिर, यानी कि 387 मीटर लंबा दूसरा रोप वे। और तीसरा रोप वे है अपना सावित्री माता का मंदिर है, और यहाँ पे है अपना 700 मीटर लंबा। तो ये बना लीजिए, फिर अगले अपनी लेते हैं अगली झील, इसके बारे में थोड़ा बता देते हो।